नमस्कार, मैं रीता दासराम मुंबई से जन सरोकार मंच पर आमंत्रित करने के लिए देवेंद्र जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम करती हूँ, मंच को मेरा नमन। कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था तो कविता पाठ से ही शुरुआत कर रही हूँ। कविता है आत्मविश्वास की परछाई। चेहरे पर आत्मविश्वास की परछाई, चेहरे पर आत्मविश्वास की पड़ती हुई परछाई आंखों में ध्वनित होती अच्छी लगती है। अच्छा लगता है उसका मजबूत और साफ दिखना। आशाओं का अपनी कोमलता और हरेपन के साथ, पानी की सी साफ तरलता के साथ विचारों में बहना। दृष्टि का उस ओर होना जहां चमकते सूरज सी है विचारों की किरणें। आदमी का होना जरूरी है वहां जहां बसता है उसका आत्म। व्यवस्थाओं की बोलती तू तू नहीं। अगली कविता है जंगल और इंसान। पूरी कठोरता के बावजूद पहाड़ हरे भरे थे, आकर्षण की छटा लिए जंगली जानवरों और बेतरतीब पेड़ पौधों के साथ। इंसानों ने बीच इन्हीं के चाहा बसना, उगाते हुए हरे भरे खेत, सीख लिया पूरी चुनौती के साथ रहना जिंदा। अगली कविता है पेड़ की तरह मत बढ़ो तुम। पेड़ की तरह मत बढ़ो तुम, जड़ों के नीचे छोड़कर गहराई। बढ़ो साजिश की तरह अचानक, उगो जैसे सभ्यता पर गर्व। नएपन की रोशनी और सत्य की आभा युक्त, चांद की शीतलता हो दंभ मात्र पहलू में। हो स्वीकारोक्ति अभिव्यक्ति का संचित बिंब, हो वक्रीय अनुपाती तंग बिंदु की खनक, हो रेखाओं के मध्य का संचालन। तुम बड़ों की बढ़त को आने लगे लाज, बढ़ते रहो कि नाप का टूटे अभिमान। शेष न कोई बिंदु हो रिक्त का मानदेय, शेष न कोई बिंदु जो रिक्त का मानदेय हो। देखो कि दीप की ज्योति का सच सिर्फ जलना न हो, फैलो कि प्रकाश का फैल कर अंधेरे से मिलना न हो। प्रकाश और अंधेरे के बीच की दीवार न हो विस्तारित, कि दोनों की व्याख्याएं गूंजने का सबब ढूंढती रह जाए। देखो कि क्या यह देखना जरूरी है कि सत्य की गूंज लौट कर आए उसी रूप में। उसी रूप में हो प्रकाश की प्रखरता, उसी रूप में हो जीना भ्रम नहीं। हो बनी वैसे ही जीने की चाह, आदमी आदमी को पहचानता तो हो। बच्चों जीने से पहले सोचो एक बार। तो ये मेरी बच्चों पर लिखी कविता थी। अगली कविता है मनुष्य। मनुष्य बिरादरी का जंगल बहुत घना हो चला है, बहुत डरावनी आवाजें आने लगी है। हाथ से जघन्य हो चुके हैं, डरने या डराने की बात शोध का विषय है। सहन शक्ति परीक्षा मात्र है। असफलताएं साधारण मनुष्य की पहचान है, सफलताएं मनुष्य को बड़ा बनाती है। सफल होने के आंकड़े संख्या नहीं, उत्तेजना का पैरामीटर है। जिसमें दानव और पशु बल साथ है। तीन चार जैविक व्याख्याएं खुद में समेटा मनुष्य
मनुष्य है संदेह है, जिसे बरादरी का मुखिया मान लिया जाता है। मुखिया की क्वालिटी, आदर्श, इंसानियत, एकता और सदाचार, पुरानी पार्टी की इबारतें मलिन हो गई है। मनुष्य से दुराचारी मनुष्य, समय के पन्ने में हिंसा है, बवाल है, जख्म है, सेंध है, हथियार है, जो जनसमूह की दर्दनाक आवाजों से चमका रहा है रेत घड़ी के शीशे, साफ साफ चमक पर लिख रहा है लहू, बो रहा है लहू, खेल रहा है लहू, बहा रहा है लहू, तब तक जब तक कि लहू का रंग न हो जाए काला। अगली कविता है, बहुत मौन से होने लगती है घुटन, स्नेह पड़ जाता है कम, अपना हाथ अपने सिर पर रख कर सहला लेती हूं। बहुत मौन से होने लगती है घुटन, आंसुओं को थूक सा गिटक लेती हूं। कटोरे में मिली उपेक्षा पुस्तकों के साथ रख देती हूं। पढ़ते समय थपथपा के सुखा लेती हूं गाल, अक्षर साफ नजर आते हैं। अवसाद रख देती हूं बर्फ में, दाग नहीं पड़ते, अंकुर नहीं फूटते। कतरा कतरा खुशियां भी आंखें भर देती है, कतरा कतरा खुशियां भी आंखें भर देती है। भरी आंखों से दूर की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। घर के एक कोने में जलते दिए को बुझने से बचाती रहती हूँ, दूसरे कोने में घर की तसल्ली का चूल्हा धधकता है। इनके बीच का अंधेरा बातें करता है जिसे सुनती हूँ। नाम की पट्टी दरवाजे के बाहर लगी है, दिन की रोशनी में दिखाई पड़ती है। रात में बढ़ जाता है अंधेरा, सांसें घुटती है। नाम की पट्टी दरवाजे के बाहर लगी है, दिन की रोशनी में दिखाई पड़ती है। रात में बढ़ जाता है अंधेरा, सांसें घुटती है। सीने में सागर है, लहरें उठती है बार बार। घबरा कर देखने लगती हूँ किनारा की अकेली हूँ जिंदा भी। परिदृश्य में है इंतजार, एक टुकड़ा जीवन, परिदृश्य में है इंतजार, एक टुकड़ा जमीन में बोती हूँ। कुछ क्षण उग आते हैं लहरों से दहशत की, जिन्हें परवाह नहीं होती। समय की तख्ती पर हिम्मत लिख दी है मौसम की बेवफाई, कभी पृथ्वी को रोक नहीं पाती। अमावस्या हो या ग्रहण, बीच बीच में आती पूर्णिमा चांदनी परोसती है। एक और कविता है, शीर्षक है होना तुम्हारा। आवाज पर आवाज की खामोशी रख दी है, पढ़ ही लोगे, सांसों की खनक कहती है। आवाज पर आवाज की खामोशी रख दी है, पढ़ ही लोगे, सांसों की खनक कहती है। नजरें जब टटोलती है होना तुम्हारा, रिक्तता में परछाइयां गवाही देती है। नजरों से ही सही कहोगे जब भी, पलके सहेज लेगी भाषा के दस्तूर। लौटाना चाहती हूँ नमकीन उदासी समुद्र, लौटाना चाहती हूँ नमकीन उदासी समुद्र, नदियों से हवाओं की गुफ्तगू जब भिगाती है। ठहरा बुझा भरा खाते में जोड़ते ही रिश्तों की जमा पूंजी सील जाती है। बोए हुए लम्हे बेखौफ बेहिसाब है बेतरतीब, अंकुरित बयार की उपज सुकून देती है। नहीं भाते हैं उम्मीद उमंग, न पानी न संगीत,
नहीं भाते हैं उम्मीद उमंग न पानी न संगीत, ध्वनि जो पहुंचती है तुम तक अच्छी लगती है। अगली कविता है लिखना मिटाना। पूरी शालीनता से खुशी लिखेंगे, लिखेंगे भद्र और सभ्यता। पूरी शालीनता से खुशी लिखेंगे, लिखेंगे भद्र और सभ्यता। समझ संस्कृति सदाचार समानता लिखना है, और लिखना है कि होंगे कामयाब। मान्यता के गर्भ में उतरते विश्वास पर लिखना है स्पर्श की भाषा, कि अज्ञान अभूज रह जाए अबोला। मान्यता के गर्भ में उतरे विश्वास पर लिखना है स्पर्श की भाषा, कि अज्ञान अबूझ रह जाए अबोला। मिटाने हैं किससे कहानी, कि किस तरह भाई भाई हुए अलग, गड़ गड़ कर मनगढ़ंत। कुप्रथाओं अंधविश्वासों जबरदस्त रीति रिवाजों से अटा समाज आरोपित न हो। रहे नवांकुर पुरसुकून अपनी ही भूमि में, मिले हुए जलाशयों के पानी रंग बन गए ललकारों और घोषणाओं के लिए। अगली कविता है आदमी। हर आदमी शहर का एक बेहतरीन उदाहरण है, हर आदमी शहर बना जा रहा है, एक चकाचक बियाबान शहर घुस रहा है आदमी के भीतर। सीमेंट का जंगल हुआ जा रहा है आदमी, गिट्टी रेत लोहा सीमेंट हो रही है आदमी की पहचान। अपनी पहचान के लिए मरा जा रहा है आदमी, बन रहा है भीतर से बाहर तक शहर आदमी। नहीं झांकना चाहता आदमी अपने भीतर, देखने एक उमस भरी हकीकत, जिसमें ख्वाहिशें खूनी खंजर लिए कर रही है हत्याएं, जिसके खून का रंग सफेद है, और यह सफेद पोष आदमी की हकीकत है। अगली कविता है भूख। भूख क्यों लगती है, व्यथित कर देने वाली शरीरस्थ क्रियाएं कहती है भूख पेट से लगती है, तड़पा के रख देती है इतना कि कर ले कोई चोरी। सोचती हूं भूख निर्मम होती है, लेकिन पेट की भूख दिमाग की भूख से कम जालिम होती है। दिमाग की भूख जन्मांतर की प्यासी सी लगती है, पेट की भूख खाकर खत्म कर ले कोई, वह मिट भी जाती है पुनः लगती हुई, मिटती हुई पुनः। पेट की भूख खाकर खत्म कर ले कोई, वह मिट भी जाती है पुनः लगती हुई, मिटती हुई पुनः। किसी चीज की भूख जो दिमाग में बसती है, सारे विवेक को कुतरती जाती है, इच्छा की रिहाई पर अंतरात्मा को मार डालती है, राजनीति से सींचती दिमागी उत्कर्ष पत्थरों पर लापटकती है जमीर को। इंसान होता है पराया अपने ही शरीर में, जब जब भूख इसमें जिंदा होती है। अगली कविता है प्रेम। प्रेम में प्रेम वैसा नहीं रहा जैसा हम देखा करते थे, प्रेम के भरोसे बदल गए हैं, सीढ़ियां बदल गई है, छत जो छत सी दिखाई देती है नहीं, छत से आकाश बहुत ऊपर दिखाई देता है। मुंडेर की दीवारें नई बन गई है, सीढ़ियों की चौड़ाई कम है। गहराई तक उतर कर देखना कभी कभी रह जाता है, जमीन गुम हो जाती है कदम रखते रखते। प्रेम पहले की तरह नहीं रह गया, लोग ऐसा सोचने लगे हैं।
और यह भी कि प्रेम धसती हुई भावों की हाफती गली सा है बहुत कुछ, जिसके छोर बंद है और अंदर लहरों सी हलचल। प्रकाश सा महसूस होता है, जगमगाती रोशनी भी कल्पित सी है। सड़कों पर मोड़ है बहुत और जानकारी भी कम है। बहुत सुविधा अनुसार यह नशीला शब्द है। खत्म होता संयम बहुत जल्द तैरने लगता है। अपनेपन के तारतम्य जड़े न खोजते हुए छुड़ा लिए जाते हैं मिट्टी से। चांदनी रात और तारे अब बना दिए जाते हैं शब्दों से, वाक्यों से। प्यार जब जब उतरता है चांद पर, चांद जमी हो जाता है घूमता हुआ अपनी धुरी पर, और आसमान है कि बस ताकता भर रहता है। अगली कविता है विकास। एक दिन हमारा विकास गर्म होती धरती को लील लेगा। दफन हम कयामत से पहले पूछेंगे कि हमारा कसूर क्या है। एक दिन हमारा विकास गर्म होती धरती को लील लेगा। दफन हम कयामत से पहले पूछेंगे कि हमारा कसूर क्या है। वह देगा जवाब, खत्म हो गए समय के साथ मिलाते हुए हाथ। कि नहीं रुकता कुछ भी जो लेता है जन्म, बनता है बढ़ता है, एक दिन चला जाता है काल के गुफाओं में। यह नियति है विकास भी इसके परे नहीं। इंसान कर गुजरे चाहे जो, अपने लिए का लेखा जोखा इसी जीवन में हो जाएगा विलीन। मिट्टी में मिलते सड़ते गलते देते पोषक इस धरती को। एक आखिरी कविता पाठ करना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है पत्नी और प्रेमिका। अच्छे लगे पत्नी बच्चों के संग तस्वीर में हंसते हुए तुम। अच्छे लगे पत्नी बच्चों के संग तस्वीर में हंसते हुए तुम। अच्छी लगी वो तस्वीर जिसमें अपने पूरे परिवार के साथ हो मौजूद पत्नी बेटी बेटा माता पिता। पत्नी की जगह पत्नी है मौजूद देखकर खुशी हुई। पत्नी है वहां जहां उसे होना चाहिए। पत्नी की जगह प्रेमिका नहीं होनी चाहिए। पत्नी की जगह प्रेमिका अच्छी नहीं लगती। यह वह सच है जो दुख देता है। प्रेमिका की अपनी अलग पहचान होती है। प्रेमिका वहां हो जहां उसे होना चाहिए। घरेलू तस्वीरों में प्रेमिका का दखल सभी को चुभता है। समाज की यह रीत है जिसे तोड़ना दुखता है। प्रेमिका का एक अलहदा स्थान है जो उसे प्रेम ने दिया है। पूरे पारिवारिक परिदृश्य के बावजूद प्रेमिका ने प्रेमिका का स्थान पाया। यह एक ऐसा सच है जो अपने पूरे कड़वेपन के साथ भदे सुरक्षित जीवन के साथ उसका अपना है। बहुत बहुत धन्यवाद जन सरोकार मंच और देवेंद्र जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करती हूँ मंच का और आपका भी, जो मुझे कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। नमस्कार।